तो ये है हमारा जेब्रोनिक का न्यू 32 इंच का VA पैनल वाला मॉनिटर और इसका हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, साथ में देखेंगे क्या क्या इसमें सीरीज मिलता है। इसके साथ साथ ये जो मैंने मॉनिटर लिया है ये 0% EMI पे लिया हूँ और 0% डाउन पेमेंट करके लिया हूँ। इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा, तो फिलहाल इसको हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या एसेसरीज दिया हुआ है, इसका पिक्चर क्वालिटी क्या है, देखने में कैसा लगता है। इसके साथ साथ इसको हम लोग करने वाले हैं सेटअप, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना पहले वाला सेटअप। तो ये जो है अभी फिलहाल इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाएगा। सिंपली इसको हम लोग करने वाले हैं यहाँ साइड और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अपना 32 इंच का मॉनिटर है वह इसको यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले आपको मिल जाएगा एक पावर केबल, ठीक है, जो कि आप आसानी के साथ अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट करना है। इसके साथ साथ ये VA पैनल वाला है वीडियो मॉनिटर है, VA पैनल वाला मॉनिटर है, तो आपको VGA केबल भी देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्सटर्नल आप HDMI वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके पास एक आपको ऑक्स केबल मिल जाएगा, जो कि अगर एक्स्ट्रा अगर आप चाहते हैं स्पीकर यूज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट स्पीकर दिया हुआ है। साथ में आपको स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप वॉल स्टैंड आपको लेना पड़ेगा और वॉल के ऊपर आपको लगाना है। साथ में ये आपका एडेप्टर है। बाकी ये रहा आपका मॉनिटर, मॉनिटर का जो डिस्प्ले साइज है ये आपको 32 इंच का मिलेगा, जो कि हल्का कर्व आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा कुछ मॉनिटर इस तरीके से, और ये जो कर्व है यहाँ पे देख सकते हो हल्का कर्व दिया हुआ, जो कि काफी यूनिक है। बाकी इसको मैं ऑन करके देखता हूँ कि इसका क्या रेजोल्यूशन है और साथ में इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा दिखेगा। यहाँ पे ये चीज एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा कि ये हमारा कीबोर्ड और माउस जेब्रोनिक का हो गया है, साथ में हमारा मॉनिटर भी जेब्रोनिक का हो गया है। अब जल्दी से इसको हम लोग करते हैं पावर लगाते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप से और देखते हैं कि इसका क्या क्वालिटी क्या है। तो फाइनली दोस्तों हमारा यहाँ पे मॉनिटर लग चुका है, जैसे आप देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी का अगर बात करें तो मॉनिटर काफी बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट में, यानी कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। बट एक चीज है, इसमें साउंड का थोड़ा सा इशू आ रहा है, साउंड का प्रॉब्लम है, आपको एक्सटर्नल यहाँ पे साउंड लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेटअप कुछ इस तरीके से मेरा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ मॉनिटर का जो स्क्रीन है 32 इंच के करीब करीब है और इसमें एडिटिंग करने में भी बहुत मस्त मजा आने वाला है। आपके लैपटॉप के अंदर अगर VGA सपोर्टेड नहीं है तो आप HDMI को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको VGA और HDMI दोनों का ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके।